अंबियों का सीजन चालू हो गया है। हमारे यहाँ पे बनेंगे बहुत सारी अंबियों की अलग अलग प्रकार की खट्टी खट्टी चटनी। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं कमेंट में जरूर लिखना। उसके लिए हम सबसे पहले डालेंगे कढ़ाई में थोड़ा सा तेल, फिर डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा, मस्त अच्छे से डाल दो। फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें सौंफ, हरी सौंफ आती है ना वो सौंफ डाल देंगे, नीचे नीचे भुनेंगे, मस्त टेस्ट आएगा। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची और लौंग, ये सब चीज़ें इसमें हमको डाल देनी है। एक 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 करके डालते जाओ, धीरे पे रखना, मस्त सुगंध आएगी, एक एक फ्लेवर का एक एक अच्छा टेस्ट आता रहेगा। ये सब आप चीज़ें डाल दे, फिर उसके बाद हल्का सा इसको भुनने दे। देखो जीरा भुनना चालू हो गया ना, जीरे को ऐसे घुमा ले, मस्त। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई कैरी। हमारे को इसको ये दो प्रकार की कैरी होती है, एक तोतापुरी होती है और एक देसी होती है, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अभी देसी तो कैरी ली है, उसको मैंने छील के छोटे छोटे टुकड़ों में देखो काट के धो के इसमें हम मैंने डाल दी है। कैरी कहते हैं इसको, कच्ची कैरी कहते हैं। आपके यहाँ इस चटनी को क्या कहते हैं कमेंट में आप ज़रूर बताना, ठीक है। इसको हमने डाल लिया, थोड़ा सा घुमा लो तेल में, चिड़चिड़ आवाज आएगी, ओके। फिर हम डालेंगे इसके अंदर थोड़े बहुत मसाले, मसालों का भी तो टेस्ट आना चाहिए ना, गरम मसाले साथ तो मिल गया ये। अब हम डालेंगे ऊपर से इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी और थोड़ी सी चुटकी भर लाल मिर्ची। लाल मिर्ची से भी थोड़ा तीखा बनाएगा और हल्दी से इसमें कलर आ जाएगा, ओके। अब ये दोनों चीज़ डाल के आप अच्छे से घुमा लो, जब मसाले अच्छे से भुन जाए, आपस में एक दूसरे को मिल जाए, देखो प्यारा प्यारा हो गया कलर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ गुड़। गुड़ डालने से ये मीठी हो जाएगी, आप अपने हिसाब से गुड़ को कद्दूकस करके जितना आपको मीठा चाहिए उतना डाल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कैरी इतनी खट्टी होती है, उसमें शक्कर भी डाल सकते हो या गुड़ भी डाल सकते हो। मैं गुड़ वाला पसंद करती हूँ इसलिए मैंने गुड़ डाला है, ठीक है। अब इसे घुमा लो। अब क्या है ये ना, देसी कैरी है तो जल्दी गल जाती है, तो हम इसमें पानी डालेंगे पर कम मात्रा में डालेंगे। देखो कैरी ने तेल छोड़ना चालू कर दिया ना, अब आधा कप पानी डालेंगे। अगर हमारी तोतापुरी कैरी होती तो थोड़ा ज़्यादा डालते क्योंकि उसको गुलने में टाइम लगता, ये देसी कैरी है ये 5 मिनट से 4 मिनट में बन जाएगा, ठीक है। अब इसको घुमा के साइड में रख दो, आप इसको 3 मिनट बाद भी देखोगे ना, मस्त 3 मिनट बाद में ही बन जाएगी। देखो तेल सारा छोड़ दिया है कैरी ने, और घुमा लो, ये देखो तेल छोड़ दिया, अब इसको घुमा लो और इसको बंद कर दो। आप कैरी को ना ऐसे साइड में तोड़ के भी देख सकते हो कि गली है कि नहीं गली, 3 मिनट में ही गल जाएगी, ये देसी कैरी है, बन गई है। अभी गैस कर दो बंद और ढक्कन लगा के साइड में रख दो, फिर 15 मिनट तक 20 मिनट तक जब तक ये ठंडी होगी तब तक आप ये देख सकते हैं कि जो चटनी का रस है ना वो गल गया है, वो थोड़ा कम हो जाएगा, तेल ऊपर ऊपर आ जाएगा और ये थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। कच्ची कैरी की ये चटनी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।